समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिनिंग के, और जैसा आप जानते हैं कि वो इन दिनों सरकार का जो अभियान है टीकाकरण का, उसके लिए भी जागरूकता फैलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य हैं। भाटी साहब ये बताइए कि एक राज्यों को भी अब ये कहा गया है कि आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाइए, क्या सरकारें भी थोड़ी ढीली पड़ गई थी जहां टेस्टिंग कम कर दी गई थी, पता नहीं चला और अब अचानक से मरीज बढ़ने लग गए? देखिए, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे कि हम पिछले साल से इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर भी रहे हैं, और अगर हम पहले का भी ट्रेंड देखें अपना, अगर सितंबर से भी अगर अपना ट्रेंड उठा ले, तो हमेशा जब इस तरह की भीड़ भाड़ और ऐसी गैदरिंग वगैरह हुई है उसके बाद सडन ये वाला स्पाइक हुआ है। पर अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी 6 राज्यों के अंदर ही केसेज एकदम बढ़े हैं, तो उसका रूट कॉज क्या निकल के आ रहा है सामने, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। कि केरला या महाराष्ट्र की भी बात करें, महाराष्ट्र का भी डॉक्टर ठक्कर ने तो खैर बताया ही, ये बिल्कुल डॉक्टर ठक्कर भी शुरू से इन सब चीजों पे एम्फेसिस कर ही रहे हैं। अभी इसमें देखने वाली बात जो आपने टेस्टिंग के लिए पूछी, तो टेस्टिंग को लेकर कुछ कुछ चीजें देखिए, कहीं पर तो ये है कि आपका जो ट्रैवलिंग वाला सबसे ज्यादा, एक ट्रैवलिंग में माना जाता है कि कई बार स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे 6 राज्यों के अंदर है, पहले भी अगर हम शुरुआती दिनों में भी देखें कि तो केरला से शुरुआत हुई थी, है ना। अभी अगर 6 राज्यों में है, अगर अभी एकदम से प्रोएक्टिवली बहुत सारे स्टेप्स नहीं लिए गए जो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर काफी हद तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्योंकि हम जैसा देख भी रहे हैं कि अभी शायद आपकी एयरपोर्ट वगैरह के लिए तो कुछ कुछ जगह शुरू हुआ है टेस्ट करना, पर जो हमारी ट्रेनें भी खुल गई हैं, ट्रेन यातायात भी बढ़ रहा है, अभी सब चीजें हो रही है, तो वहां पर टेस्टिंग को लेकर किसी तरह की अभी जो मैं समझ रहा हूँ शायद शुरुआत नहीं हुई है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इसको ट्रांसमिशन को रोक सकें। और दूसरा, एक जो स्ट्रेन वाली बात भी चल रही है कि ठीक है हम RT-PCR टेस्ट तो कर रहे हैं, पर जीनोम सीक्वेंसिंग भी आगे फर्दर करनी जरूरी है रैंडम सैंपल्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रेन भी तो चेंज हो ही रहा है। तो खाली RT-PCR पे फोकस ना करके हमें फर्दर उसको जीनोम सीक्वेंसिंग भी सर्टेन सैंपल्स में, कि हमारे जो ये पॉजिटिव सैंपल है इनमें से ये सैंपल्स उठाए और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो, तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज हमेशा चेंज करते रहने की आवश्यकता है। चलिए, लेकिन आगे क्या? तो समीर भाटी साहब एक बात बताइए, ये बातें हो रही हैं क्योंकि आप वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, कि जो नया स्ट्रेन है हमारे यहाँ पर जो देखा जा रहा है कई जगह पर, उस पर जो मौजूदा वैक्सीन है वो कारगर नहीं है, ये बात कितनी सही है? देखिए, अभी तक तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, अभी फर्स्ट वैक्सीन की डोज लगी है, उसके बाद अभी सेकेंड डोज कुछ लोगों को लगी है, फिर इसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट होगा, चेक किया जाएगा, तो अभी इसके ऊपर कुछ कहना तो थोड़ा जल्दी होगा, तो अभी इसके ऊपर तो कुछ कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अभी एक आपने इसमें एक चीज़ और पूछी कि अदर स्टेट की, और दिल्ली में जो अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिविटी रेट की, कि सडन दिल्ली में तो काफ़ी सारे इस तरह की रैलीज भी हुई हैं और भी सब हुई हैं, पर फिर भी केसेस इस तरह से स्पाइक नहीं किए हैं। उसका एक कारण ये भी है, जो हमारा सीरो सर्वेलेंस हुआ था, सीरो सर्वेलेंस में देखा गया था कि जो केरला है, केरला के अंदर लगभग 10% के करीब जो है सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट आई थी, और दिल्ली के अंदर लगभग 56% सीरो सर्वेलेंस की नहीं। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं डॉक्टर ठक्कर से लेता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने भाटी साहब। तो डॉक्टर ठक्कर, ये बात तो ब्राजील में भी हुई थी, वहां तो 70% 75% आबादी जो थी उसी तरीके सर्वे में उनके अंदर एंटीबॉडीज थी, लेकिन वहां पर फिर से थर्ड वेव आई और ब्राजील सफर कर रहा है इस वक्त, तो क्या हिंदुस्तान में इसका क्या इंपैक्ट समझे, या क्या इस तरह की चीज हमारे यहां भी हो रही है? भाई, ब्राजील में जो म्यूटेशन हुआ वो बड़ा बुरा म्यूटेशन हुआ, जिससे वायरस बहुत स्ट्रांग होके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करने में बहुत कामयाब रहा। फॉर्चुनेटली जो म्यूटेशन हमें यहाँ दिखाई पड़ता है या जो अटैक हमने ये सेकेंड सर्ज में देखा है वो माइल्ड है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आईसीयू में रश नहीं है, मगर ये म्यूटेशन कब घूम के वापस सीवियर हो सकता है वो कोई कह नहीं सकता। इसके लिए प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टर्न आता है वैक्सीनेशन के लिए, ज़रूर ले लीजिए, वैक्सीनेशन में दुविधा मत रखिए, वैक्सीनेशन आपको किसी भी प्रतिशत मदद करेगा। आप 50% से लेकर 90% गिनिए, मगर वैक्सीनेशन कामयाब रहेगा। मगर आपका मास्क तो 100% कामयाब रहेगा, आप लापरवाही और आप अननेसेसरी ग्रुप में जाना, आप ये अपनी होशियारी थोड़ी दूर रखिए।
आपको अभी भी डिस्टेंसिंग रखना है, काम के बिना लोगों को मिलना नहीं है, और वो सोशल बबल को रखिए, क्योंकि ये वायरस बहुत सियाना है और कभी भी आपको धोखा दे सकता है।